दोनों के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस की बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं एंड यू आर समवन के आप हमेशा बहुत वोकल हैं इन मामलात पे, आप बड़ा स्टैंड लेती हैं, इवन किरदारों को लेके जो आप प्ले करती हैं आप बड़ी उस पर गहरी एक सोच और नज़र रखती हैं. सो हाउ डू यू सी दिस डिवेलपमेंट सोनिया? एक और ऑफकोर्स टिच बटन में वी हैव गॉट फिरोज एंड दादल आपकी जो दूसरी फिल्म है जिसमें आप बॉक्सर प्ले करी उसमें मोहसिन अब्बास हैदर हैं. दोनों के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस की बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं एंड यू आर समवन के आप हमेशा बहुत वोकल हैं इन मामलात पे, आप बड़ा स्टैंड लेती हैं, इवन किरदारों को लेके जो आप प्ले करती हैं आप बड़ी उस पर गहरी एक सोच और नज़र रखती हैं. सो हाउ डू यू सी दिस डिवेलपमेंट रिगार्डिंग फिरोज एंड मोहसिन? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए हसन, एक कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल भी होती हैं. फिरोज़ और मोहसिन दोनों मेरे कलीग्स रह चुके हैं. बात यह है कि मैं वाकई इसके अगेंस्ट हूँ कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस का वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए. ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ये तो बहुत इनह्यूमन बात है. लेकिन मैं उन लोगों के घर के मामला पर्सनली नहीं जानती. बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया जाता है. तो अनलेस कि मुझे पता हो कि एक्चुअल बात क्या है तो मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकती. सिर्फ ये देखे कि वो मैंने पिक्चर्स देख ली हैं तो अच्छा, यू नो, यही एक विक्टिम है और वो कल्प्रिट है. हम इस तरह से नहीं उस चीज़ को ले सकते जब तक कि मैं खुद ना देखूँ और ख़ुद दोनों पार्टीज से बात ना करूँ, मुझे पता हो कि अच्छा एक्चुअल रीज़न क्या था इसके पीछे. तो इस वजह से शायद मैं इस बारे में नहीं बात करूँ. तो मोहसिन और फिरोज़ दोनों के साथ आपने काम किया, कभी आपकी बात हुई या बाद में, अभी जैसे ये फिरोज़ की बात हुई आपने फ़ोन उठा के कॉल करने की कोशिश की हो, पूछने की कोशिश की हो? बिकॉज आई अज्यूम कि आपकी दोस्ती होगी फिरोज़ जी के साथ. जी जी जी, ऐसा कुछ हुआ? फिरोज़ से दोस्ती है मगर इतनी नहीं है कि मैं पूछूँ कि क्या चल रहा है. बट ये कि जब बीच में इन लोगों की सेपरेशन की बात चल रही थी मैंने पूछा था, तो He was like नहीं सब ठीक है. तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगता ना आप किसी के पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो. बट ये कि उनके घर की चीज़ें या वो ऑब्वियसली जब कोर्ट में चीज़ें चली जाती तो मैं और आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले. तो आई थिंक सोनिया इस बात को भी बहुत एक तासुर है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है तो आप उनके साथ काम ना करें. कुछ लोग समझते हैं कि आप काम ना करें तो बेहतर है. कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मामला अदालत में है तो जब तक अदालत का फैसला आ नहीं जाता तब तक हमें कोई हतमी फैसला नहीं कर देना चाहिए उनको लेके. आप क्या सोचती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको दोबारा मौका मिले, मोहसिन के साथ तो आप कर ही नहीं है, बट अगर आपको दोबारा मौका मिले फिरोज़ के साथ काम करने का या मोहसिन के साथ काम करने का, तब तक जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया तो क्या आप उनके साथ काम करेंगी? मैं आपको बताती हूँ, जब मोहसिन की बात चल रही थी उस वक्त हमने एक वीडियो सॉन्ग किया था नबील कुरैशी के साथ, बहुत अच्छा था वो. ऑनर किलिंग पे ही सॉन्ग था और वो मियामी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिले उसे. तो वो सॉन्ग लिटरली 2 साल तक वो फंसा रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोहसिन का केस चल रहा था. प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्रोवर्सी बने इसको लेके, हालांकि छोटे सा शॉर्ट था उसके. और मैंने उस टाइम पीरियड में ये चीज़ देखी कि उसको हर जगह से कैंसिल आउट कर दिया गया, उसको चैनल से निकाल दिया गया, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे थे. तो मतलब ठीक है ये बात कि अगर किसी मियाँ बीवी के बीच के रिलेशंस ख़राब हैं, ठीक है आप आपस में उनसे बात करें, लेकिन आप किसी का रिस्क तो नहीं छीन सकते. मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कोई अच्छा अब उसको घर में बंद कर दो, अब इसको भूखा मार दो. ये मतलब अगर जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको थेरेपी की तरफ लेके नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर सच बात भी है तो आप उसको इस तरह से हेल्प करें कि चलो मैं तुम्हें किसी थेरेपिस्ट के पास लेके चलता हूँ, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, एग्जैक्टली, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, हम बात करते हैं इस चीज़ को, रादर ये कि उसको और प्रेशराइज किया जाए और उसको ज़िंदगी की तरफ से दूर किया जाए कि अब तुम्हें हम तो तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं शक्ल. तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको सुसाइडल चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं. तो आई थिंक ये एक सही रिएक्शन नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने का. बाहर भी आप देखें प्रिजनर्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर उनको काम दिया जाता है, वो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से, रादर यहाँ पर जो मारे खा रहे होते हैं उससे इंसान और वायलेंट होता है, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है और प्रिजनर्स की होती है. अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी करता है तो उसकी एक सर्टन मियाद होती है, जेल अगर होती है तो हर एक क्राइम का अपना एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद कोशिश ही होती है कि उन प्रिजनर्स को या जो भी मुजरिम है उनको सिखाया जाए, बताया जाए और कैसे बेहतर सिटीजन बनाया जाए. बिल्कुल, तो अगर आप बिल्कुल उनको स्ट्रेट ऑफ कैंसिल कर देंगे तो फिर हम तब्दीली कैसे लेंगे? बिल्कुल. और मैंने ये भी देखा कि मोहसिन के पास ऐसा भी टाइम आया था जब वाकई उसके पास पैसे तक नहीं थे खाने के लिए,
तो मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे बल्कि पता चला है आप बिल्कुल आप सही हैं एक तरह से कि किसी का रिस्क नहीं बंद कर देना चाहिए, उन्हें कम्प्लीटली शन ऑफ नहीं कर देना चाहिए। मोहसिन को एज अ मैटर फैक्ट एक्सप्रेस पे ही पहला ड्रामा मिला था इसके बाद घमंडी के नाम से। सो जरूरी है कि अगर किसी के इस तरह के मसाइल हैं उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ जरूर लेके जाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ दो ही अप्रोच होती हैं, एक तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी ब्रेक में कि या तो माफ़ कर दिया जाए कि बेटा अपना घर बसा लो, चलो अपना घर मत तोड़ो, जाओ जाओ अपने शौहर के साथ, दोबारा कौन शादी करेगा, ये वाली एक अप्रोच होती है। दूसरी ये होती है कि ओ अच्छा इस बंदे को जान से ही मार दो सारी आवाम के, बस अब तो ये ज़िंदगी सी ख़त्म कर दो। तो आई थिंक ये दोनों जो चीज़ें ना दोनों बहुत एक्सट्रीम उस पे जाके दोनों ही ठीक नहीं है। कोई मिडिल रास्ता आपको अपनाना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है आपके स्पाउस से आपकी नहीं बन रही है तो जस्ट मूव ऑन, आप अलहदगी हो जाए, अलहदगी हो जाए, मतलब एक रास्ता है सेपरेशन का आप टाइम, और लेकिन वो भी जब होगा जब हम इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे, हम लड़कियों को सिखाएंगे कि जब वो पहली दफ़ा आप पे आवाज़ ऊँची करें तो आप उसी वक्त बताएं कि स्टॉप इट, आप मुझ पर चीख नहीं सकते, पहली दफ़ा आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप उसको पहले से कह के मैं अपने घर चली जाऊँगी, आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उस नहज पे क्यों लेकर आते हैं उस चीज़ को कि वो आपको अब्यूज़ करने लगे या मार मार के, कि उसको लगे कि अच्छा ये तो मतलब मेरी मार खाती रहेगी। बट कभी कभी और इसका भी एक तरह से इल्ज़ाम सोसाइटी के ऊपर ही जाता है कि लड़कियों को इतना डरा के रखा जाता है, इतना इतने लंबे अरसे से लड़कियों को ये बताया गया है ख्वातीन को कि मर्द का घर ही तुम्हारा आखिरी घर है और देर इज नो ऑप्शन, तुमने वहाँ से निकलना ही नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी डरी सहमी रहती है और फिर वो मार खाती भी रहती है बहुत सारे केसेस में। तो ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है बेटियों को कि शादी अगर हो गई तो इसका ये मतलब नहीं, ये कुल आखिर आपकी ज़िंदगी का है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ख़त्म नहीं होती आपके। अगर एक स्पाउस अच्छा नहीं है, नहीं बन रही, तो दूसरा रास्ता होता है, दूसरी शादी भी एक ऑप्शन होता है, और इसमें ये कोई टैबू नहीं है, ये अच्छी बात है। रादर कि आप अपने बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, उससे अच्छा है कि खुश स्लूबी से आप अलग हो जाएँ और अच्छी कोई अच्छे पार्टनर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और किसी भी स्पाउस के गलत एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ऑन टाइम टाइम, हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए जी। और अगर किसी के जो गलत एक्शंस हैं वो क्रिमिनल हैं तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो भी एक अदालत है, जो जो एक प्रॉपर चैनल है उसको फॉलो करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सज़ा के बाद अगर आप किसी को रिहैबिलिटेट करना चाहिए तो वो ज़रूर करना चाहिए, उसकी फैमिली करें, उसे उसको करें और उनको ज़रूर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ठीक।